राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मोह का प्रसंग चल रहा है, ये बड़ा विचित्र प्रसंग है, क्योंकि नारद जी को मोह हुआ, ब्रह्मा को मोह हुआ है, उन्होंने बछड़े चुराए, ग्वाल बाल चुराए, इंद्र को मोह हुआ, उसने प्रलय के पानी बरसाए, ब्रज को नाश करने के लिए सोचा ही नहीं, क्रिया किया। इंद्र को तो ऐसा मोह हुआ कि भगवान न बचाते तो सारा ब्रज ही खत्म था। और ये देवताओं को मोह हो जाता है, इसी तरह से जब जगत पिता ब्रह्मा को मोह हुआ तो औरों की क्या। इसका कारण क्या है? अर्जुन को मोह हुआ, गरुड़ को मोह हुआ, सती को मोह हुआ, बड़ी लंबी लिस्ट है। इसका हम जैसे नासमझ लोग दुरुपयोग करते हैं। अरे भाई, उनको मोह हुआ है तो हम लोग क्या करें? प्रायः छोटे ज्ञान के लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, और संकीर्णताएं फैलाते हैं। दुरुपयोग का ये मतलब हुआ। इसका सरल सा हल है, रामायण में यद्यपि संप्रदायों के अनुसार हम जब यहां ब्रज में आए थे तो पहले हम श्री जी के मंदिर में मृदंग बजाने जाते थे। कई सालों तक मृदंग बजाया हमने। वहां एक दिन एक चौपाई मुंह से निकली तो किसी ने गाली दिया, कि अभी तेरी रामायण ही नहीं छूटी, तू कैसा कृष्णानंदी है। तो हमें याद है कि उस समय उसका प्रभाव तो मेरे ऊपर नहीं पड़ा, गलत प्रभाव पड़ा कि ये ऐसा कलुषित मन का क्यों है, या तो इसने भक्तमाल नहीं पढ़ा है,
भक्तमाल पढ़ने वाले को तो थोड़ा सा भाव होना चाहिए। तुलसीदास जी की रामायण जब रखी गई शंकर जी के विश्वनाथ जी के मंदिर में, तो सभी पुराण रखे गए, वेद रखा गया। सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत जी भी थी। महादेव जी ने रामायण को सबसे ऊपर रख दिया और उस पर लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो कुछ लिखा है वो सत्य है और शिव माने कल्याणकारी है और सुंदर है। तो जिसने भक्तमाल पढ़ी है उसके दिमाग से संकीर्णता चली जाती है। ये हमको संकीर्ण बनाना चाहता है, वो तो नहीं हो सकता। ये वृंदावन में बीमारी है और इस बीमारी में श्री जी कृपा होती है तब मनुष्य बचता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर रामायण में दिया गया कि जब शंकर जी सुना रहे थे गिरिजा माने पार्वती को भगवत कथा, तब उन्होंने कहा कि नारद ने श्राप दिया था भगवान को। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तही लगी अवतारा। तो पार्वती 124 बालकांड। गिरजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। ये मैं क्या सुन रही हूं? नारद तो भगवान के भक्त हैं और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। नारद ने भगवान को क्यों श्राप दिया? क्या अपराध भगवान ने किया था? यह प्रसंग मुहि कहौ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। नारद जैसे को मोह हुआ? नारद अवतारों में है भगवान के, साधारण तो नहीं है, भगवान के अवतारों में हैं और देव ऋषि हैं। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया। महादेव जी हंस गए और ये उत्तर सब जगह लगता है, चाहे अर्जुन को मोह, चाहे ब्रह्मा को मोह, चाहे इंद्र को मोह, चाहे सती को मोह। ये ग्रामर, ये नियम सब जगह फिट होता है। चाहे वैकुंठ में जय विजय को मोह हुआ, वहां भी शाप दिया गया। सनकादिक को गुस्सा क्यों आया? सनकादिक तो नित्य सिद्ध है, भगवान के अवतार हैं। सबका उत्तर यही है। 124 बालकांड। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई।
जही जस रघुपति करही जब सो तस तही क्षण होए। साफ उत्तर दे दिया कि संसार में न कोई ज्ञानी है, न कोई मूढ़ है। जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। इस विचार में रहने पर न दोष दृष्टि होती है, न अपराध लगता है। यही उत्तर हमने कल भी दिया था, जब शिव जी ने सती को देखा, समझाया कि विरह देख करके मोहित मत हो। नहीं मानी तो समझ गए भगवान की इच्छा है। होई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। होई सोई, जो भगवान ने सोचा है वही होगा। इंद्र को मोह हुआ, क्यों हुआ? वहां गिरिराज लीला में भगवान ने कहा, देवताओं को अहम होना ठीक नहीं है। 25वें अध्याय में देख लेना, संख्या वंख्या याद नहीं, कि ये देवानाम विस्मय ठीक नहीं है। इसलिए उनके अहम को हटाने के लिए ये गिरिराज लीला हुई। अब कोई पूछे कि उनको अहम क्यों हुआ, तो सबका उत्तर यही है, बोले बिहंस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जही जस रघुपति करही जब सो तस तेहि क्षण होए। सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसमें न कोई किसी में अभाव होता है, न आलोचना होती है, न प्रत्यालोचना होता है। इसी विचार से हमको 60 से अधिक वर्ष हो गए यहां। अनेक प्रकार के हजारों लोग आए यहां, अधिकतर ऐसे आए जो फोड़ा तोड़ी करने वाले थे, और उन्होंने बहुतों का को क्षति भी पहुंचाई। क्षति यही कि फोड़ फाड़ के यहां से ले गए, तो उसमें कोई हमारी क्षति नहीं है, क्योंकि न हम शिष्य बनाते हैं, न चाहते हैं कोई हमारा बने। ये सब झगड़ा है, इतना अवश्य है कि एक संगठन यहां बना है ब्रज की सेवा की दृष्टि से, और यदि ये संगठन न होता तो इतने बड़े बड़े जो ब्रज में काम हुए हैं ये नहीं होते। होते और कोई भगवान निमित्त बना देता। गहवर बन बिक चुका था, उसको रक्षा का निमित्त भगवान ने
मान मंदिर को ही बनाया। इसी तरह से ब्रजों ब्रज में सभी कुंडों के सुधार का प्रसंग यहीं से शुरू हुआ, मान मंदिर से ही। गोमती गंगा आदि जने कितने कुंड, अब भी ब्रज में जो कुछ हो रहा है वो ब्रज में कोई भी संस्था कोई भी काम नहीं कर रही है। ब्रजभान कुंड खत्म हो गया था, उसको मान मंदिर ही लड़ रहा है, बचा रहा है। आदिबद्री के पास पहाड़ खोदना शुरू हो गया, फिर से मानगढ़ ही बचा रहा है। यमुना जी के विषय में जो लड़ाई शुरू भई उसका कोर्ट में मानगढ़ ही लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। ये जो कार्य चल रहा है वृक्षारोपण, वो मानगढ़ के ही नाम से चल रहा है। जय कृष्णदास जी लगे हैं वनों की रक्षा, कुंडों की रक्षा। यमुना जी का कार्य ये सामने कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, न कोई महंत, न कोई संत, न संप्रदाय जो आगे बढ़ करके आवे। और विरोध भले कर रहे हैं कि मानगढ़ का नाम क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा किया और ऐसे ऐसे तीर्थों का उद्धार हो रहा है। कृष्ण लीला के बाद से आज तक जिनको जानते भी नहीं हैं लोग, जैसे देव सरोवर, वो भगवान नारायण और लक्ष्मी ने राधा कृष्ण के विहार के लिए वो सरोवर बनाया था, वो है गर्ग संहिता आदि में, लेकिन आज तक किसी आचार्य की दृष्टि नहीं गई, किसी संप्रदाय की दृष्टि नहीं गई। और वो 40 साल तक हम बराबर बोलते रहे, और पैसा नहीं था, सामर्थ्य नहीं था, भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति तैयार हुआ, उसने कहा 40 लाख हम देंगे, इसको शुरू करो। शुरू हुआ, जो बनाने वाले थे वो भाग भूग गए, कोई आदमी काम देखने वाला चाहिए, इंजीनियर भाग गए, और भी लोग भाग भूग गए। लेकिन अब आशा है कि वो बन जाएगा, क्योंकि एक निश्चित मार्ग दिखाई पड़ा है। और इस तरह से एक ऐसे तीर्थ का ब्रज के, जिसको भगवान नारायण लक्ष्मी ने बनाया राधा रानी के लिए, उसका नाम ही लोग नहीं जानते थे। राधा रानी ब्रज यात्रा से ही लोग नाम जानने लग गए, और वो श्री जी कृपा करती हैं। कल उसको देखने गए थे लोग, और उसको बोर करने के लिए योजना बन चुकी है, शायद एक दो दिन में काम शुरू होगा, और बोर भरने के बाद ज़्यादा लंबा काम नहीं, दो चार दिन का काम है,
खुदाई का। जो लोग भाग गए थे, हमने सुना है एक दो यहाँ के संत तैयार हो गए हैं, वहाँ कीर्तन करेंगे और उससे काम चलेगा, काम पूरा हो जाएगा। यद्यपि यहाँ संत हम जब से आए हैं बराबर आते रहे रहते रहे, लेकिन आते रहे रहते रहे जाते रहे, आते रहे रहते रहे जाते रहे, किसी को हम रोकते नहीं हैं। लेकिन चले जाते हैं क्योंकि निंदक लोग उनके बुद्धि को बिगाड़ देते हैं, अनेक प्रकार से बिगाड़ देते हैं। पहले यहाँ जो रहते थे तो इतना बड़ा मंदिर है, बुहारी कोई कैसे लगाएगा, बुहारी तक नहीं लगती थी। कुछ संत आए, वो बुहारी लगाने लग गए तो बाकी लोगों ने भड़का दिया कि तुम क्या इसीलिए साधु बने हो, अरे बैठ के माला करो, पाठ करो, तो भड़क गए, चले गए। ऐसी सी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हम कहते हैं भाई भगवान नाम दान करो, भिक्षा मांगते समय मौन नहीं रहो, भगवान नाम बोलो, कीर्तन करो, तो कुछ संत इसी पर चले गए, शासन किया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां आती रहीं कि संगठन बन नहीं पाया। ये श्री जी कृपा से अब कुछ लोग यहाँ रुक गए हैं और यात्रा में भी सहयोग करते हैं, यात्रा में भी बड़ा भारी सहयोग है। 15,000 आदमी हैं, उनको परोसना साधारण बात नहीं है। अब जो संत हैं परोसते भी हैं, यानी इन्हीं के बल पर सब काम चल रहा है। और इस बार संतों ने पेड़ भी लगाए हैं, हजारों पेड़ लग गए हैं इस बार। और उसमें लड़कियों ने भी सहयोग किया, अब जो समाज बना है खास करके लड़कियों का समाज जो है, वहाँ बाहरी लोग नहीं आ पाते हैं, फोड़ा तोड़ी नहीं हो पाती है, वो स्थिरता से रह रही हैं। और हम तो समझें कि संतों से कम नहीं है, ये नित्य आराधना करती हैं, संध्या को एक स्त्रियों का ऐसा समुदाय बन गया है, जबकि चारों ओर बदनामी हो रही है साधु समाज की। और यहाँ 70-80 लड़कियाँ रह रही हैं और शुद्ध आचरण से रह रही हैं, आराधना कर रही हैं। यद्यपि कमियाँ थोड़ी बहुत तो रहती हैं, और लेकिन कमियाँ दूर हो रही हैं। परस्पर का राग द्वेष वो अब कम हो रहा है, था इन लोगों में भी, वो श्री जी कृपा से दूर हो रहा है। जिस आचरण से रह रही हैं, प्रचार करने जाती हैं और गांव में भगवान नाम का प्रचार कर रही हैं, एक संतों का काम कर रही हैं। अभी कुछ कमियां अवश्य हैं, साधु लोग भिक्षा मांगते हैं,
भिक्षा क्यों मांगते हैं? इससे अहम घटता है। ये वेद में लिखा है, रसकों ने लिखा है, बिहारन देव जी ने लिखा कि हों ब्रजवासिन को पाल्यो पिल्ला, अपने को कुत्ता कहा है कि हम कुल पिल्ला हैं। इतना अहम को घटाया उन्होंने। अहम का नाश ही भक्ति है, दैन्य है। अब ये इतनी लड़कियां रह रही हैं यहां, लेकिन थोड़ी सी कमी है, बहुत सी लड़कियां रस मंदिर भी नहीं जाती हैं। टिफिन किसी से भेज देंगी और 100-100 टिफिन वहां लगाना पड़ता है, एक समस्या है। अरे वहां स्वयं चली जाओ, जब साधु लोग भिक्षा मांग सकते हैं तो तुमको रस मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, 10-20 कदम है, और वहां जाने में कई लाभ है। एक तो लोग देखते हैं एक कि यहां सेवा हो रही है, इस स्थान का गौरव बढ़ता है कि यहां, अब जैसे जो लड़के हैं 150 लड़के हैं ये प्रसाद पाने जाते हैं, तो लोग देखते हैं तो एक श्रद्धा पैदा होती है कि यहां इतने लोग हैं, निःशुल्क रह रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, एक स्थान का सम्मान बनता है। और नहीं ज्यादा आदमी होते हैं तो लड़ाई झगड़ा होती है। स्थान का सम्मान की दृष्टि से भी और व्यक्ति की दृष्टि से भी, एक नहीं जा रही तो दूसरी भी होड़ करेगी, मेरा भी लाना। अरे तुम भिक्षा नहीं मांग सकती हो घर घर जा करके, केवल 10 कदम जाना है, इससे तुम्हारा भी गौरव बढ़ेगा और स्थान का भी गौरव बढ़ता है। हमारे किसी काम की शिक्षा दूसरा गलत ले रहा है, दूसरा भी आलसी बन रहा है, तो हम लोग संग्रह नहीं कर रहे हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि देखो, अकेले भजन करना तो बड़ा आसान है और जो बुद्धिमान भक्त हैं वो लोक संग्रह की दृष्टि से काम करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा है ये बात 25वें श्लोक में, विद्वान है, तत्ववेत्ता है, सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर् लोक संग्रहम्। विद्वान है लेकिन उसको लोक संग्रह के लिए काम करना चाहिए, अविद्वान जैसे काम करता है। इस बात को 20वें श्लोक में भी भगवान ने कहा, 3/20। ये हर साधु के लिए, केवल लड़कियों की बात नहीं है। तुम जनक बन जाओ, जनक जैसे सिद्ध बन जाओ, तब भी कर्मणै वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपर्शन कर्तुम अर्हसि। ये भगवान की आज्ञा है, इसको जो नहीं मानता है वो भक्त नहीं है, वो नास्तिक है। भगवान बोले, अर्जुन अब की नहीं, जनकादि युगों से ये बात चली आ रही है,
उन लोगों ने भी लोक संग्रह के लिए काम किया, तुम भी वैसा ही करो। लोक संग्रह का कार्य क्या है? जिसे लोग देखें और सीखें। हमारे किसी काम से लोग अगर गलत बात सीखते हैं तो हम भगवत भक्त नहीं हैं, हम कृष्ण भक्त तो है ही नहीं है। इस परिभाषा से आज जो सारे समाज में फूट है, राग द्वेष है, ये गलत है। और इसलिए एक अभी 10 लाइन कल और हमने जोड़ा है इसमें यात्रा की पुस्तक में, सच्ची आराधना महत्समर्पण क्या है, वो आखिरी पाठ था। इसी दृष्टि से कि हमारे समाज में हर व्यक्ति इस दृष्टि से रहे, इस दृष्टि से ये पंगत क्यों चलेगा, ये साधुओं की पंगत। संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनांसि जानताम, वेद में सबसे पहले कहा गया साथ साथ चलो। संगच्छद्वम माने साथ साथ चलो, जैसे हमारे यहां 125 लड़के हैं, इनमें कभी कुसंग व्याप ही नहीं सकता। कुसंग आता है जब बाहरी विचार आता है किसी बाहरी लोगों का, जिनके हृदय राग द्वेष से दूषित हैं, जिनका लक्ष्य कलह फूट होता है, तब जाकर के। अब नीचे कुसंग क्यों नहीं चला? क्योंकि उस रसकुंज में कोई बाहरी आदमी नहीं घुस सकता, वहां का नियम है केवल लड़कियां रहती हैं। इसी तरह से हमारे यहां के बच्चों में कुसंग नहीं घुस सकता, क्योंकि वहां कोई बाहरी आदमी आकर के अपने दुर्विचारों का प्रचार नहीं कर सकता। वेद की मर्यादा है संवदध्वम संगच्छध्वम, साथ साथ चलो, संगच्छध्वम साथ साथ रहो, संवदध्वम साथ साथ चर्चा करो, संवो मनांसि जानताम और साथ साथ ज्ञान प्राप्त करो। ये भी परंपरा हमारे यहाँ चल पड़ी है, लड़कियां पढ़ती भी हैं, बोलती भी हैं, साथ साथ सत्संग भी होता है, इससे समाज में एकता बनती है। और वृंदावन में क्या है, ये अमुक संप्रदाय है, वो अमुक संप्रदाय है, वो उसकी आलोचना कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है, इस तरह से समाज विभक्त हो जाता है और भाव नहीं होता। सब भक्त हैं, सब भगवान के दास हैं, इसकी जगह परायापन पैदा हो जाता है। ये पराया है, ये दूसरा है, इससे समाज का भी नाश नहीं, व्यक्ति का भी नाश होता है। अब जब साथ साथ चलते हैं तो देखो समाज का कितना कल्याण हुआ, समाज में कितने काम हुए। अभी हमारे पास एक चौबे जी आए और उन्होंने कहा कि महाराज 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है गंदी नाले का, आप चलिए, 150 करोड़ रुपए कोई कठिन नहीं है, हो जाएगा। तो हमने कहा ब्रजराज से, इनका भाई नोट कर लो नाम वाम, ऐसे आदमी जो काम के हैं, जो कुछ वास्तव में श्री जी की सेवा, ब्रज की सेवा करना चाहते हैं, अभी देव सरोवर बन जाए, उसके बाद एक और झील बनाने का विचार है हमारा,
राकोली की ओर। जब ये बन जाएगा तो श्री जी कृपा करेंगे वो भी बनेगा, और बरसाने में एक नई झील तैयार होगी जो सारे ब्रज में नहीं है, एक ऐसी शोभा बढ़ेगी रंकू वन में, वो रंकू वन बोला जाता है, और उस क्षेत्र में। तो ये सब एक आदमी नहीं कर सकता, मैं अकेले यात्रा नहीं उठा सकता हूँ, इतने लोग हैं हमारे यहाँ, इतने ब्रजवासी हैं, ईमानदार हैं, न खा जाए पैसा सब लोग, लेकिन हमारे यहाँ ब्रजवासी तन मन धन से लगे हैं, सेवा करते हैं, ऐसे ब्रजवासी संसार में नहीं हैं। और भगवान की कृपा से इनको कोई फोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ये लोग इतने साल से लगे हैं। तो मोह का प्रसंग चल रहा था, किसी को मोह क्यों हुआ? सीधी सी बात है, उसमें दोष नहीं देखो। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करई जब सो तस तही क्षण होए। नारद को भी मोह हुआ, इंद्र को मोह हुआ, ब्रह्मा को मोह हुआ, ये सब क्यों हुआ? शिक्षा देने के लिए जीवों को कि देखो माया बड़ी प्रबल है, तुम लोग संभल के चलो, नहीं तो तुम भी मोहित हो जाओगे। ये मोह अनेक कारणों से होता है, आठवें स्कंद में इसके अनेक कारण लिखे गए हैं। जब भगवान ने राजा बलि का दान लेकर के और फिर उनको वारुण पास में बांध दिया कष्ट में, तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न कर दिया, आठ बाईस तेईस, ब्रह्मा जी आए और वो बोले महाराज इसने जितने लोग थे पृथ्वी आदि लोग वो आपको निवेदित कर दिया और घबराया नहीं, आपके चरणों में तो तुलसी भी कोई अगर एक लोटा पानी चढ़ा दे, यत पादयो अषठधि सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम। तेईसवां श्लोक, आठ बाईस तेईस, अप्युत्तमाम गतिमसौ भजते त्रिलोकीम दाश्वान अविक्लव मनाह कथमार्ति मृच्छेत। आपके चरणों में अषठधि मने निर्मल बुद्धि से कोई पानी भी चढ़ा दे, सलिलम माने पानी भी चढ़ा दे, और डूब के घास फूस से आपकी पूजा कर दे, तब भी उसको उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। इसने तो तीन लोक दान किया,
त्रिलोकीम दाश्वान और घबराए नहीं, कथम आरतिम रिच्छेद, तब इसको कष्ट क्यों मिल रहा है। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। तब भगवान बोले, ब्रह्मन यम अनुग्रहणामि, मैं जिस पर कृपा करता हूं तद विशो विधनो म्यहम, उसके धन को छीन लेता हूं। क्योंकि यन मदह, मद पैदा होता है। संसार में कौन है जिसको मद नहीं है? काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, ये छह शत्रु, इसमें मद किसको नहीं है? काम तो दिखाई पड़ जाता है, क्रोध भी दिखाई पड़ जाता है, कामी छिपता नहीं है। हम बैठे हैं, किसी लड़की को देख रहे हैं बार बार, तो सब समझ जाएंगे महाराज की दृष्टि उधर है। किसी पर गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, आंख निकाल रहे हैं, तो सब समझ जाएंगे गुस्से में है महाराज। लोभ भी दिखाई पड़ जाता है, जब पैसा संभाल संभाल के नोट रखते हैं तो सब देख लेंगे हाँ लोभ हो रहा है, लेकिन मद दिखाई नहीं पड़ता। ये सूक्ष्म है। भगवान बोले, मद की सामग्रियां होती हैं तो मद जरूर होता है। और बड़े मुश्किल से मनुष्य योनि मिली है। बोले मद की सामग्री क्या है? 26वां श्लोक, जन्म कर्म वयो 3, रूप 4, विद्या पढ़ना 5, ऐश्वर्य समाज में ईशता हुकूमत और धन आदि। आदि माने और भी बहुत से कारण होते हैं, ये 7 तो है ही हैं। यदि अस्य न भवे स्तंभस्तत्रायम मदनुग्रह, स्तंभ माने ऐंठ, मद से ऐंठ पैदा होता है, दैन्य नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ए साधु से ऐसा बोलता है, ये क्या है? मद है। तुम अपने आप को ऊंचा समझे बैठे हो। कुछ मान लो तुमने वैराग त्याग का कर्म किया है, वो तुम्हारे लिए मद बन गया। एक कर्मज मद है। और जन्मद मद क्या है? तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, तुम जानते हो हम इतने ऊंचे धनिक के लड़के हैं, ये जन्मद मद है। कर्मज मद है, ये हर साधु को होता है। वयो मद, जवानी का मद, रूप का मद, जिसके पास रूप है उसको मद जरूर होगा। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। विद्या का मद होता है, थोड़ा सा पढ़ गए ए मूर्ख हमारे साथ बात बोलता है, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, ये विद्या का मद है। ऐश्वर्य कल का आया भया बात बनाता है। ऐश्वर्य, हम इस स्थान के मालिक हैं। धन आदि, पैसा है उसका मद होना जरूरी है। यानी ऐंठ, यदि अस्य न भवेत स्तंभस, अगर उसमें ऐंठ है तो उसके अंदर मद है, और मद है तो भगवान से दूर है। और मद नहीं है
तत्र अयम मदनुग्रह, तो मेरी विशेष कृपा समझना, केवल भगवान की कृपा से ही मद नहीं होता है। फिर दूसरा श्लोक है 27वां, अभिमान से स्तंभ ऐंठ होता है, मानस स्तंभ निमित्तानाम जन्मादीनाम समंततः। जैसे कुछ पढ़ने वाले को मद हो जाता है, मूर्ख तू पढ़ा नहीं लिखा नहीं हमसे बोलता है, ऐसे संप्रदाय में झगड़ा चल रहा है, हम रसिक हैं, ये मद है सबको। और कितने लोग यहां से चले गए कि यहां रस के पद नहीं होते हैं, रसिकाई के मद में चले गए। और क्यों नहीं होते हैं उसका कारण उनको पता नहीं। इस्कॉन में एक अच्छी परंपरा है कि ज्यादा रस के पद वो लोग नहीं गाते हैं। मना किया है, रसकों ने मना किया है कि तुम रस के पद ऐसे नहीं करना कि गा करके तुम्हारे अंदर काम के संस्कार जाग जाएं। भगवत रसिक जी ने लिखा है, ललिता सखी उपासना जो सिंघिनी को क्षीर। बोले श्रृंगार रस की उपासना शेरनी का दूध है। बोले शेरनी का दूध क्या होता है? कह बच्चा कह पेट कह कुंदन के वासन, आन घट करे बिनासन। शेरनी का जो दूध है या तो उसका दूध शेर का बच्चा हजम करेगा, या सोने के कटोरे में रखोगे तब रुकेगा, और किसी धातु में रखोगे तो धातु को नष्ट कर देगा, तोड़ देगा। शेरनी का दूध ऐसा होता है किसी भी पात्र में रखोगे तोड़ देगा। वैसे ही जितने रसिक बनते हैं श्रृंगार रस के, इनको पता नहीं है ये तुम्हारे अंतःकरण को नष्ट कर देगा, काम भाव पैदा कर देगा, ये रसकों ने लिखा है। इसलिए भगवन नाम करो, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, जब अपने आप सब बातें प्रकट होंगी। मानस स्तंभ निमित्तानाम जन्मादीनाम समंततः सर्वश्रेय प्रतिपानाम हंत मुनिये न मत्परः। हमारा जो भक्त है ये स्तंभ ऐंठ और मान अहम बढ़ाने के जो 7 कारण ऊपर बताए गए हैं, ये सभी श्रेय माने कल्याण के विरुद्ध हैं, प्रतीप माने उल्टे हैं, नष्ट कर देते हैं। मनुष्य अच्छा नष्ट हो जाता है। जब हम पढ़ने लग गए थे तो हमारे बाबा ने मना किया था कि तुम नहीं पढ़ो, क्योंकि भगवान ने स्वयं मना किया है। 7वें स्कंद में ग्रंथान नैवाभ्यसेत बहून, बहुत ज्यादा ग्रंथों को नहीं पढ़ो, सातवें स्कंद में ये उन्होंने कहा है।
सात, तेरह, आठ। यति माने जो विरक्त है, न शिष्यान अनुबधनीत, चेला चेली मोहत मत बनाओ, इससे नष्ट हो जाओगे। ऐश्वर्य बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, अहम बढ़ेगा, इसलिए पुराने महात्मा लोग शिष्य नहीं बनाते थे। और आज हम लोग भूखे बैठे हैं, कोई चेला बन जाए। भगवान की आज्ञा है यति धर्म, सच्चा विरक्त जो है उसको चेला फेला नहीं चाहिए। न शिष्यान अनुबधनीत, ग्रंथान नैवाभ्यसेन बहून, बहुत पुस्तकों को मत पढ़ो। न व्याख्याम उपयुंजीत, व्याख्यान मत दो, कथा मत दो, इससे तुम्हारा मान बढ़ेगा और स्तंभ बढ़ेगा। ये मान स्तंभ निमित्तानाम सर्वश्रेय प्रतीपानाम, इससे तुम्हारा कल्याण नष्ट हो जाएगा। जाने कितनी जगह ये बातें कही गई हैं। चौथे स्कंद में भी, तीसरे अध्याय में, सातवें श्लोक में बात कही गई। सात तीन सात नहीं, चार तीन सात, छह चीजें हैं। ये सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन जीव को नष्ट कर देती हैं। विद्या, बहुत पढ़ गए, सत्रह है, हाँ भूल गए, संख्या याद नहीं रहती। विद्या, तपो, वित्त, वपु, वया, कुलई। विद्या लोग कहते हैं फायदा करती है, बोले नहीं, विद्या नाश कर देती है। यदि इससे मान पैदा हुआ और स्तंभ पैदा हुआ, दैन, तप भी नाश कर देता है। वित्त, पैसा, वपु, वय, कुल, ये संतों के लिए गुण हैं, षट भी असत्तम, हम जैसों के लिए इतर हैं, उल्टे अवगुण बन जाते हैं। क्यों? भृतमान मान अहम बढ़ जाता है, अहम बढ़ने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अस्तब्ध माने ऐंठ पैदा हो जाता है। मद, मान और मद दोनों भाई भाई हैं, इसीलिए भगवान ने कहा है मानस स्तंभ निमित्तानाम। ये आठ बाईस और अभी बताया था चौबीस सत्ताईस, दोनों भाई भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। अहम और मद दोनों ही भाई भाई हैं। मानस स्तंभ निमित्तानाम जन्मादीनाम समंततः सर्वश्रेय प्रतीपानाम, श्रेय माने कल्याण को नष्ट कर देंगे। हंत मुहिये न मत परह, मोह पैदा करता है मद, मोह पैदा करता है मान, मोह पैदा करता है ये सब सातों जन्मादि। तो इसलिए भगवान ने कहा ये पढ़ना वढ़ना बंद कर दो,
विद्या विद्या बंद कर दो, विद्या तपो वित्त बपु वया कुलई सताम गुणई षड्भिर सत्तमे तरी स्तम स्मृतौ हतायाम भृतमान दुर्दिशः स्तब्धा न पश्यन्ति धाम भूसाम। स्तब्ध मने मद से स्तब्ध भाव पैदा होता है, ऐंठ, और एक घटना और सुनाते हैं, समय हो गया पूरा। हम जब वृंदावन में आए तो किसी ने कहा रस ग्रंथों को पढ़ो, तो पढ़ने लग गए और किसी नामी विद्वान महात्मा गोस्वामी के पास गए थे। हमने कहा ये ग्रंथ हम देखना चाहते हैं। उन्होंने देखा हमारी शक्ल को, बोले तुम इसके अधिकारी नहीं हो, चले जाओ। खैर अपमान की बात नहीं है, लेकिन उनकी वाणी में संकीर्णता थी और हम चले आए वहां से। यहां तक कि किसी ने निमंत्रण दिया था भोजन के लिए और हम मधुकरी मांगते थे। बाबा की आज्ञा थी जब तक तुम मधुकरी मांगोगे तुमको माया नहीं व्यापेगी, शुद्ध अन्न खाओगे। अहम को घटाती है मधुकरी, किसी के दरवाजे पे मांग खाइए मधुकरी शेये ब्रज सुंदरी ओढ़िए गुदरी, बिहारीन देव जी ने लिखा है। मधुकरी मांगो जिससे तुम्हारा अहम घटता रहेगा। अहम बढ़ने वाले काम मत करो, इसलिए मधुकरी चलाई गई। तो हमने कह दिया था भाई कि हम महाराज मधुकरी, खैर वो उनको बहुत आग्रह किया, बोले एक समय तो आ जाओ। हमने कहा संध्या को आएंगे। दिन में मधुकरी मांगते थे, संध्या को गए तो वो ऊपर बैठे थे अपने छत पर और उन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया कि उस बात को पचासों साल हो गए हैं अब तक याद है। और वो बड़े नामी व्यक्ति थे लेकिन स्तंभ था, समझ गए हम कि हैं तो बड़े नामी व्यक्ति लेकिन इतनी ऐठ इनमें, इतना स्तंभ भाव है, ये गलत है। मद से ही स्तंभ भाव आता है। हमारा व्यवहार भगवान ने कहा ऐसा होना चाहिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, मैत्र भाव होना चाहिए। जैसे मित्र करुणा का व्यवहार होना चाहिए। नामे रुचि जीवेर दया, लेकिन सारा व्यवहार उल्टा है हम लोगों का, हम जैसे लोगों का स्तंभ भाव है, दैन्य नहीं है। ये सब चीजें सीखना चाहिए। दैन्य दीन बनो, तुम स्वयं जाओ, अगर तुमको मान लो ठाकुर जी के भोग के लिए टिफिन लाना है खुद लगाओ, खुद लाओ, किसी से मंगाओ नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारा अहम बढ़ता है और समाज का
समाज की व्यवस्था बिगड़ती है, दूसरे भी यही सीखेंगे आलस्य। खुद जाओ सामान नष्ट नहीं होगा, ज्यादा आ गया है तो या तो कुत्ते को फेंकोगे या बंदर को फेंकोगे, जैसे हमारे यात्री लोग करते हैं, 15-15 रोटी पड़ी रहती है रास्ते में, एक भी कणिका भगवान का नष्ट नहीं करना चाहिए। किस तरह से दैन्य हमारे अंदर बढ़े, इससे मद नहीं उत्पन्न होगा और नहीं मान पैदा होगा और मद पैदा होगा और श्रेय मने कल्याण नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। सर्वश्रेय प्रतिपानाम, भगवान ने कहा है जितने भी कल्याण के रास्ते हैं सब बंद हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी, मैंने इसके बलि के धन को छीन लिया, तुम समझ नहीं सकते हो, मेरी कृपा है। और देखो आखिर में भगवान बोले, देखो 8, 22, 28 ब्रह्मा जी, तुमको मालूम पड़ रहा है कि ये कष्ट हमें है राजा बलि, ये वारुण उपास में तड़फ रहा है, लेकिन तुमको ये पता नहीं है, एष दानव दैत्यानाम अग्रणी ही कीर्ति वर्धनः, ऐसा राजा आज तक न भया न है न होगा, अजयशीद अजयाम मायाम सीदन न पिन मोहयति, इसने माया को जीत लिया है, कष्ट पाते हुए भी न मोहयति, इसको मोह नहीं हो रहा है, इसने माया को जीत लिया है। तो अगर स्तंभ आ गया तो तुम्हारा श्रेय नष्ट हो जाएगा। सर्वश्रेय प्रतिपानाम, निश्चित है कि मान जहां पैदा हुआ, स्तंभ आएगा, मद पैदा होगा, सब श्रेय नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा सारा भजन साधन नष्ट हो जाएगा। और माया वही जीतता है जिसको मद जन्य मोह पैदा नहीं होता है। सीदन अपि न मोहयति, बस यही मोह के अनेक कारण होते हैं, कुछ और बताएंगे कल। जय श्री राधे।